ओके सो स्टार्ट करते हम लोग। सो एक बार जल्दी से बाउंड्री कंडीशन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन में क्या होता था कि जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ने किया था कि साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू टू है, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो इसमें क्या था कि अब जैसे ये तो इसमें वेरिएबल दो है, दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो ये कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन नहीं है। कन्वेंशनल टाइप नहीं है आज ये, ठीक है, इट इज नॉट कन्वेंशनल टाइप। क्योंकि कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन कौन सा होता है जिसमें इक्वेशन और वेरिएबल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग देखते थे कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी, वन, मतलब ये लेस देन इक्वल टू वन, और साइन वाई लेस देन इक्वल टू वन। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होता, लेस देन और इक्वल टू टू होता, मतलब इसकी जो अपर बाउंड्री है, लेफ्ट हैंड साइड की जो अपर बाउंड्री है वो टू है और राइट हैंड साइड भी टू लिखा हुआ है। तो ये लोग अग्री कब करते, ये लोग अग्री करते तब जब साइन एक्स भी वन हो जाता एंड साइन वाई भी वन हो जाता, तभी अग्री करते, इसके अलावा अग्री नहीं करते। इट मींस एक्स की वैल्यू 90 एंड वाई की वैल्यू भी 90 डिग्री आती। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक बार सब लोग बताओ कि इतनी बात क्लियर है? सर ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था। ओके सो अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड x एंड y। एक बार ट्राई करो इसको।
किसी को स्ट्राइक करना है कैसे करना है, देखो हम लोग क्या करते हैं। अब देखो ये कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है कि कैसे टाइप का है, कन्वेंशनल टाइप है ये नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल है। अच्छा तो अब हम लोग ने क्या किया कि पहले x वाले टर्म को एक साथ ले लिया, जैसे x स्क्वायर माइनस 2x को एक साथ ले लिया, फिर y वाले टर्म को एक साथ ले लिया, y स्क्वायर माइनस 4y को एक साथ ले लिया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इसका मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ाया था तुम लोग को, x स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है तो x माइनस, अब इसका आधा 2 का आधा क्या हो गया 1, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, y माइनस इसके आधा होल स्क्वायर माइनस इसी के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 और प्लस 5, ये तो पहले से था। ठीक है तो देखो ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस 1 माइनस 4 मिलके माइनस 5 और ये प्लस 5 और ये लोग कैंसिल हो गए। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 0 कब होता है, जब इंडिविजुअल टर्म्स 0। कल ही सीखा था कि होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 0 कब होता है, जब हमारा इंडिविजुअल टर्म 0। इट मींस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी व्हाट, 1 एंड y विल बी, हाँ सर वो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है ना, किसके लिए, अगर ब्रैकेट्स के होल स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से जीरो लेंगे ना इसमें, नहीं, तो अगर कल एक कल सिखाया था ना सर, पर इसमें एक ब्रैकेट अगर जीरो है तो दूसरे वाले में वैल्यू आ सकती है, लेकिन होल स्क्वायर है ना ये, जैसे ये देखो कल वाले क्लास में, कल वाले क्लास में क्वेश्चन किया था कि नहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो उसका मतलब कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आ गया। कल थोड़ा जान तो इसी में दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। कल वाले में एक क्वेश्चन किया था ना कि अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0 है तो ये कब पॉसिबल था, जब x 0 हो और y 0 हो। तो यहाँ पे x की जगह किसने लिया, x माइनस 1 ने लिया, मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर 0 है, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये भी 0 हो एंड ये भी 0, ये तब पॉसिबल है केवल, और कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर जो है वो कैसा आउटपुट देता है, जीरो आउटपुट नहीं देता, पॉजिटिव आउटपुट देता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, होल स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आउटपुट नहीं देता, या तो पॉजिटिव आउटपुट देता है या तो जीरो एज एन आउटपुट देता है। समझ
सबको आई, कितने लोग को ये बात को ये समझ में आ गया? How many of you understood this? The solution of this. First step में हम लोग ने क्या किया, देखो x square और 2x को एक साथ ले लिया, y square और 4y को एक साथ ले लिया, तो ये बन गया x square minus 2x plus y square minus 4y plus 5 is equal to 0. अब x square minus 2x को हम लोग ने completing the square किया, तो वो जो है x minus 1 का whole square, x लिखते थे, फिर जो x का coefficient होता था, जैसे यहाँ पे minus 2 था, उसको half किया, तो x minus 1 का whole square minus of this quantity. सिमिलरली y square minus 4y, तो y लिखा, फिर y का जो coefficient था minus 4, उसको half किया, तो यहाँ पे y minus 2 बन गया, तो y minus 2 का whole square minus इसके whole square से subtract करते थे, plus 5 is equal to 0. अब minus 1 minus 4 मिलके minus 5 बन जाते, और वो इस plus 5 के साथ cancel हो जाते. So what will I get? I will get x minus 1 ka whole square plus y minus 2 ka whole square is equal to 0. It will mean that x minus 1 is equal to 0 and y minus 2 is equal to 0. So x is equal to 1 and y is equal to 2. Matlab, ये कब पॉसिबल होता, जब ये जीरो होता और ये जीरो होता, तो इससे एक्स की वैल्यू वन आ गई और वाई की वैल्यू टू आ गई. आया समझ में सबको? तो स्टूडेंट्स, किसको नहीं समझ में आया अभी बताओ. सर, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या है? ये मैंने वो एक एग्जांपल दिया था कल, एक एग्जांपल कल का, अगर नोट्स तुम रिवाइज करो. yes, तो कल मैंने एक ही एग्जांपल कराया था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये बाउंड्री कंडीशन का टाइप का क्वेश्चन था. ओके सर, तो ये कब पॉसिबल था, जब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0. तो वही, तो यहाँ पे मतलब एक्चुअली ये किस फॉर्मेट का है, ये इस फॉर्मेट का है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे दोनों इंडिविजुअल टर्म्स आर 0 एंड बोथ आर 0. हाँ, सब लोग कमेंट करो, एवरीवन शुड कमेंट, किसको समझ में आया किसको नहीं आया. समझा? और बाकी लोग, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन दूंगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबको सही करना है इसे इसी पैटर्न पे. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखेंगे x square plus y square. चलो इसको करो, एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है.
Z2X2 और Y Y3Z4 So answer is X2, Y3, and Z4. ठीक है, तो ये कितने लोग का आंसर आ गया? So, अपन ने क्या किया, देखो इसको ऐसे लिखा x2 - 4x, तो इसको एक साथ ले लिया, चलो x2 - 4x, इसको एक साथ ले लिया y2 - 6y, और इसको एक साथ ले लिया z2 - 8z + 29 = 0. ठीक है, सो अब देखो x2 - 4x है, इसका कंप्यूटिंग द स्क्वायर किया तो x - 2 का होल स्क्वायर - 4, ये 2 कहां से आया, इसका हाफ, फिर इसका किया तो y - 3 का होल स्क्वायर - 9, फिर इसका किया तो z - 4 का होल स्क्वायर - 16 + 29. ठीक है, तो 4, 9 और 16 मिलके -29 बन जाएंगे, तो -29 + 29 कैंसिल हो गया, इससे क्या हो गया, अब देखो होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 0 आ गया, तो ये कब पॉसिबल है, जब इंडिविजुअल टर्म्स 0, इट मीन्स x = 2, y = 3, and z = 4. यही अपना आंसर है. सबको आ गया समझ में? Yes, sir. किसी को कोई डाउट, अगर किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ ले. स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो भाई. अच्छा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. root of
वन माइनस एक्स स्क्वायर, फोर माइनस वाई स्क्वायर, नाइन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स. इस मान लो ये दिया हुआ है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स. Then find the value of x plus y plus z. Then find the value of x plus y plus z. Sir, zero. बाकी लोग भी ट्राई करो. और किसका किसका हो गया? आंसर विल बी जीरो. एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल बी जीरो. किसका किसका हुआ? चलो अथर्व का हुआ. और कोई जिया? चलो मैं कंसेप्ट समझाता हूं. प्रियांशु, अर्शिका, तनिषा, ओके मैं कंसेप्ट समझाता हूं. देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है मतलब वन में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे तो वो जो क्वांटिटी है वो वन से छोटी होती. मतलब रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर तुम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते तो वो रूट ऑफ वन से छोटा होता मतलब वन. सिमिलरली रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर वो रूट फोर से छोटा होता मतलब टू. एंड रूट ऑफ सॉरी यहां पे वाई है नाइन माइनस जेड स्क्वायर वो थ्री से छोटा होता. सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन से छोटा होता, ये टू से छोटा होता, ये थ्री से छोटा होता. ठीक है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन. इसकी मैक्सिमम क्या है? टू. इसकी मैक्सिमम क्या है? थ्री. अच्छा वन प्लस टू प्लस थ्री मिलकर क्या बन जाता है? सिक्स. और राइट हैंड साइड भी क्या दिया हुआ है? सिक्स दिया हुआ है. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहां मीट कर रहा है? अपर बाउंड्री पे मीट कर रहा है. अग्री करोगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कहां मीट कर रहा है? अपर बाउंड्री पे मीट कर रहा है. अच्छा सिक्स बनने के लिए इसको वन होना पड़ेगा, इसको टू होना पड़ेगा और इसको क्या होना पड़ेगा? थ्री होना पड़ेगा. अच्छा इसको वन होने के लिए इस एक्स स्क्वायर
इसको टू होने के लिए इस y स्क्वायर और इसको थ्री होने के लिए इस z स्क्वायर, क्या होना पड़ेगा इनको? जीरो, जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। y की वैल्यू जीरो, z की वैल्यू जीरो। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट x प्लस y प्लस z एस जीरो। बच्चों समझ में आया? एक बार रिपीट करो। हाँ। नहीं समझा, नहीं समझा। अच्छा ये समझ में आया तुमको कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू वन होगी? सिर्फ वही नहीं समझा मुझे, मैक्सिमम। अच्छा, वो नहीं समझा। देखो तुम सोचो कि वन में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो जो इधर आउटपुट आता वो कैसा आउटपुट आता? लेस देन वन वाला आउटपुट आता। वन में से अगर तुम कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो लेस देन वन वाला आउटपुट आता। मतलब इसका मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू वन हो रहा होता। वन माइनस एक्स स्क्वायर जो भी आउटपुट दे रहा होता वो वन से छोटा ही दे रहा होता। सिमिलरली फोर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो फोर से छोटा दे रहा होता। नाइन माइनस जेड स्क्वायर जो है वो नाइन से छोटा दे रहा होता। तो अगर तुम रूट ले लो तो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी रूट ले लिया, रूट ऑफ वन तो वन ही होता है। रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर, इधर टू हो गया। रूट ऑफ नाइन माइनस जेड स्क्वायर, इधर थ्री हो गया। जैसे मान लो कोई नंबर है वो लेस देन इक्वल टू वन है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? जैसे मान लो तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू टेन है रुपीस। हमारे पास कितने? लेस देन और इक्वल टू टेन रुपीस है। मतलब तुम्हारे पास मैक्सिमम रुपए कितने हैं? दस रुपए। सो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती? वन होती। ऐसे रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती? टू होती। ऐसे इसका भी लिख दी होते, थ्री होती। तो फिर वही हम लोग ने लिखा कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू टू है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? थ्री है। तो, तो ये लोग कहां पे मीट कर रहे होंगे? और फिर वन प्लस टू प्लस थ्री मिलकर कितना बन जा रहा है? सिक्स बन जा रहा है। वन प्लस टू प्लस थ्री मिलकर कितना बन जा रहा है? सिक्स। और राइट हैंड साइड भी सिक्स लिखा हुआ है। मतलब ये लोग कहां मीट कर रहे होंगे? अपर बाउंड्री पे मीट कर रहे होंगे। तो अपर बाउंड्री पे जब भी मीट कर रहे होंगे तो ये लोग इनकी जो जो इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यूज है वो पूरा दे दे रहे होंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका आउटपुट वन होना है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट वन होना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को जीरो होना पड़ेगा। इसका आउटपुट टू होना है, इसका मतलब वाई स्क्वायर को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो कुल रूट फोर बनेगा जिससे टू आ जाएगा। रूट ऑफ नाइन माइनस जेड स्क्वायर को थ्री होना है, तो इसके लिए जेड स्क्वायर को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो रूट नाइन जो है वो थ्री बनेगा। इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इन सबको जीरो 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 लिख लिए, तो इससे एक्स वाई जेड क्या आ गया? जीरो आ गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? वो भी जीरो हो जाएगा। हाँ लेकिन अपनी इक्वेशन में कौन सी वैल्यूज पुट की जिससे आपको वन टू थ्री आया? कौन सी? नहीं देखो तुम ये इधर देखो, इधर तुमको ये बात समझ में आ रही है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन होता, फोर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर होता, एंड नाइन माइनस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नाइन होता।
पहले सबसे पहले बात बताओ ये क्लियर है? यस सर ये क्लियर। ओके अब मैंने क्या किया स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में से स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है ना। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन तो वन ही होता है, रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू होता है, रूट ऑफ नाइन माइनस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थ्री होता है। ठीक है तो हम लोग को अब यहां से पता चला कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वन है, ऐसे ही रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टू है एंड रूट ऑफ नाइन माइनस जेड स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थ्री है। तो वो मैंने यहाँ पे पुट की लिखा। तो यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ नाइन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। अब देखो इसकी मैक्सिमम क्या है वन, इसकी मैक्सिमम क्या है टू, इसकी मैक्सिमम क्या है थ्री, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा वन दे सकता है आउटपुट, ये ज्यादा से ज्यादा टू दे सकता है आउटपुट और ये ज्यादा से ज्यादा थ्री एज एन आउटपुट दे सकता है। ठीक है अब मान लो तीन लोग हैं, तीनों का मिलके तीन, जैसे पहला बंदा ज्यादा से ज्यादा एक रुपए दे सकता है, दूसरा बंदा ज्यादा से ज्यादा दो रुपए दे सकता है और तीसरा बंदा ज्यादा से ज्यादा तीन रुपए दे सकता है और सामने वाले ने छह रुपए मांग लिए, सामने वाले ने क्या मांग लिया छह रुपए मांग लिए, तो ये कब पॉसिबल होता? जब वो अपना मैक्स देंगे, जब सब लोग अपना मैक्स देंगे, मतलब जब ये वन हो जाए और जब ये टू हो जाए और जब ये थ्री हो जाए, इसका मतलब रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन हो जाए, रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर टू हो जाए, रूट ऑफ नाइन माइनस जेड स्क्वायर थ्री हो जाए। तो इसमें जब तुम स्क्वायरिंग वगैरह करोगे तो यहां से x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो एंड z की वैल्यू जीरो आ जाए। सो x प्लस y प्लस z क्या हो जाएगा अपना जीरो हो जाएगा। समझा? बोलो जिसको डाउट था, किसको डाउट था? समझा सर। सो अब बाकी सब लोगों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो अब हम लोग आते हैं बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चंस ऑफ टाइप टू। अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, टाइप वन वाला बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन। टाइप वन में क्या था, टाइप वन में था कि एक साइड वेरिएबल था, वेरिएबल क्वांटिटी थी और एक साइड कांस्टेंट क्वांटिटी थी। तो देखो तुम सारे क्वेश्चंस अगर ऑब्जर्व करो, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल था, राइट हैंड साइड कांस्टेंट था। ये वाला क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, राइट हैंड साइड कांस्टेंट। ओवर हियर आल्सो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, राइट हैंड साइड कांस्टेंट। ठीक है अब टाइप टू में क्या होगा, टाइप टू में अब हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं। In this type, left hand side and right hand side both will be variable quantity. इस टाइप में LHS और RHS दोनों के दोनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे।
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं कि लोअर बाउंड्री ऑफ वन साइड becomes equal to upper boundary of another side. Lower boundary of one side becomes equal to the upper boundary of another side. This is, for example, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी और सी वाला एग्जांपल ले रहे थे ना, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए के पास 10 रुपए थे, बी के पास 20 रुपए थे, इसका क्या मतलब है कि ए कितना दे सकता था, लेस देन इक्वल टू 10, और बी कितना दे सकता था, लेस देन इक्वल टू 20। अच्छा, सी ने क्या कहा, सी ने कहा कि तुम दोनों को मिला के ए एंड बी कंबाइन आई वॉन्ट मिनिमम 30 रुपीज। सी ने क्या कहा कि ए और बी से क्या कहा कि तुम दोनों को मिला के मेरे को मिनिमम 30 रुपए चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो इक्वेशन ऐसी बन रही होती कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ए क्या कर सकता था, लेस देन और इक्वल टू 10 रुपीज दे सकता था, और बी क्या कर सकता था, लेस देन और इक्वल टू 20 रुपीज दे सकता था, और सी की डिमांड क्या थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 रुपीज की डिमांड थी। सी की क्या डिमांड थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 रुपीज की। तो बताओ ये लोग कहां पे अग्री करते हैं, बोलो, नॉर्मल सा लॉजिक है। देखो a प्लस बी मिलके मैक्सिमम कितना दे सकते थे, 30 दे सकते थे, और c को मिनिमम कितना चाहिए, 30, c को ग्रेटर देन इक्वल टू 30 चाहिए। तो a और b क्या कहते कि ठीक है, मैं a कहता मैं अपना कंप्लीट दे दूंगा, बी कहता मैं अपना कंप्लीट दे दूंगा, और सी कहता चलो ठीक है मेरे को अपना मिनिमम 30 रुपीज मिलेगा। मतलब सी तो चाह रहा था कि 30 मिल जाए, 31 मिल जाए, 32 मिल जाए, कुछ भी हो जाए। सो ये कब पॉसिबल होता, ये तब पॉसिबल होता जब ए 10 बी 20 देता और सी 30 रुपीज पे अग्री कर गया होता। सी 30 रुपीज पे क्या कर गया होता, अग्री कर गया होता। समझ में आ रही बात? तो यहां पे देखो, यहां पे सब लोग वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड भी वेरिएबल है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर तुम देखो तो ये लेस देन और इक्वल टू 30 है, मतलब वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, 30 या उससे कम, और राइट हैंड साइड भी 30 या उससे ज्यादा, ये भी वेरिएबल है। तो इस बार लेफ्ट हैंड साइड भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड भी वेरिएबल है। तो इधर क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू के बराबर हो जाए तभी दोनों अग्री कर पाएंगे, नहीं तो कभी भी अग्री
इसके अलावा और कभी अग्री नहीं कर पाएंगे, लॉजिकली सोचो अगर तुमको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना के दिखाए तुमको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक साइड का मैक्सिमम और दूसरे साइड का मिन, एक साइड जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी साइड जो है उसकी मिनिमम वैल्यू दोनों अगर इक्वल हो जाए तो सब लोग अपने, जैसे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देके अग्री कर जाएगा और जिसकी मिनिमम वैल्यू है वो अपनी मिनिमम वैल्यू देके अग्री कर जाएगा। सब लोग कमेंट करो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर। सब लोग कमेंट करेंगे, कल फाइव कमेंट्स आए, फाइव टू सिक्स कमेंट्स। अच्छा कोई बात नहीं, अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुमको कोई डाउट हो तो तुम अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। अब जैसे इसको मैं आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट दिस इन क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को। तो जैसे मान लो क्वेश्चन कहीं ऐसा लिखा है अपना, से साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस टू। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस टू, देन फाइंड एक्स वाई एंड जेड। क्या फाइंड करना है? एक्स वाई जेड। अब देखो फिर से एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो साइन एक्स ये कैसा आउटपुट देगा? लेस देन इक्वल टू वन वाला। सिमिलरली साइन वाई ये कैसा आउटपुट देगा? लेस देन इक्वल टू वन वाला। इसका मतलब ये एज अ होल कैसा आउटपुट देंगे? लेस देन इक्वल टू टू। अच्छा जेड स्क्वायर कैसा आउटपुट देता है? किसी नंबर का होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब जेड स्क्वायर प्लस टू कैसा आउटपुट देगा? ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो ये वाली चीज कैसा आउटपुट देगी? ग्रेटर देन इक्वल टू टू। इसका मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टू है और राइट हैंड साइड की जो मिनिमम वैल्यू है वो टू है और दोनों को इक्वल होना है, दोनों को इक्वल होना है। तो दोनों इक्वल कब होते हैं? ये लोग एक ही सिनारियो में इक्वल हो सकते थे। कब? जब ये लोग अपना पूरा पैसा खर्च कर दें और ये जो है अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट पे अग्री हो जाए। तो इक्वल होने के लिए, पूरे पैसे खर्च करने के लिए साइन एक्स को वन होना पड़ेगा, साइन वाई को वन होना पड़ेगा और जेड स्क्वायर प्लस टू को टू होना पड़ेगा। अब साइन एक्स वन होना मतलब एक्स की वैल्यू 90 डिग्री होना, वाई की वैल्यू अगेन 90 डिग्री, जेड स्क्वायर मतलब जीरो होना मतलब z की वैल्यू जीरो। सो ये एग्जाम्पल हुआ बाउंड्री कंडीशन टू का। देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो वेरिएबल, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो वेरिएबल क्वांटिटी। आया समझ में इसका सोल्यूशन? स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन क्लियर है तुम लोग को?
किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सो ऐसा क्वेश्चन करोगे तुम लोग? सो एक क्वेश्चन जो है लिखते हैं, क्वेश्चन लिखा जाए ऐसे हेड का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ. चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ. RHS का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो अब देखो, जिसको नहीं भी समझ में आया वो फिर से सुनेगा, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर. ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर तुमको मिनिमम वैल्यू निकालना हो, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो वहां पे तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाहिए. ठीक है, उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया तो वो क्या बन जाएगा, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव, मतलब जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर.
ठीक है। अच्छा अब देखो होल स्क्वायर प्लस फोर, होल स्क्वायर कैसा आउटपुट देगा? पॉजिटिव आउटपुट देगा। उसमें फोर ऐड करोगे तो वो कैसा आउटपुट देगा? ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। सो ये जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है वो कैसा आउटपुट देगी? ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। अच्छा ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि वन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन देता, तो उसका रूट भी लेस देन इक्वल टू वन देता। नाइन माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नाइन देता, मतलब उसका रूट भी लेस देन इक्वल टू थ्री देता। इसका मतलब ये दोनों मिला के इनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो रही होगी? लेस देन इक्वल टू फोर। और इधर क्या हो रही होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। इसका मतलब ये लोग कहां पे एग्री कर रहे होते? ये लोग अग्री कर रहे होते कि दोनों साइड हमारा फोर आ जाए। दोनों साइड क्या आ जाए? फोर आ जाए। अच्छा फोर आने के लिए इसको वन होना पड़ता, फिर इसको थ्री होना पड़ता रूट ऑफ नाइन माइनस वाई स्क्वायर को, और इस फोर आने के लिए जेड माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर को फोर होना पड़ता। ठीक है, तो यहां से तुम अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे यू विल गेट जीरो, यहां से तुम वाई की वैल्यू निकालोगे यू विल गेट जीरो, और यहां से देखो जेड माइनस फोर तो जीरो हो गया, इसका मतलब जेड माइनस वन इज जीरो, तो जेड की वैल्यू वन। तो ये हो गई एक्स वाई और जेड की वैल्यू। एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू वन। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो कैसे मिला? देखो फिर से सॉल्यूशन एक बार, क्या हुआ? x इज इक्वल टू जीरो कैसे मिला? इसको स्क्वायरिंग करो ना, इसको स्क्वायरिंग करो तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही इसको स्क्वायरिंग करो तो नाइन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, तो ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू जीरो। समझे? हाँ सर। सो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बोलो भाई। हाँ देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। और एक क्वेश्चन अपने किया जाए अगर, तो साइन एक्स चलो फाइंड एक्स वाई जेड P, Q. अब इसको सबको सही करना है। मैं दो मिनट में
आया आंसर? यस सर, डन सर। क्या 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 आया बताओ? x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1, p is equal to 1 and q is equal to 2. मतलब x1 y1 z1 नहीं आएगा, वो sin x1 sin y1 sin z1 आएगा। 90 आएगा। हाँ तो देखो sin x plus sin y plus sin z is equal to, जैसे इन दोनों को यूज किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, तो p minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को यूज किया तो q माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8। अच्छा इसका मिनिमम वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 था, और ये क्या बन जाता, ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस q माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इससे जो है राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता। तो ये लोग अग्री कहां पे करते, ये लोग अग्री करते कि दोनों साइड 3 आ जाए। अब दोनों साइड 3 आने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कि साइन एक्स को 1 होना चाहिए, साइन वाई को 1 होना चाहिए, साइन जेड को 1 होना चाहिए, उसके बाद पी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसको 3 होना चाहिए। ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, मतलब p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस q माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 होना चाहिए। अब होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 0, इसका मतलब इंडिविजुअल टर्म्स 0 होने चाहिए, मतलब p माइनस 1 0 होना चाहिए, q माइनस 2 0 होना चाहिए, मतलब p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2। अच्छा sin x1 मतलब x y z, x y z तीनों के तीनों 90। सो आई होप कि अब चीजें तुम लोग को इतने सारे एग्जांपल्स के बाद क्लियर होंगी कि कैसे हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन। सो अभी भी किसी को डाउट है इसमें, जो भी हम लोग बाउंड्री कंडीशन कर रहे हैं? सर वो पॉजिटिव 3 और 3 कट कैसे किया आपने? अरे 3 और 3 को तो कट कर सकते हैं ना, इसको उधर ले जाते तो माइनस 3 होता, तो 3 माइनस 3 0, कैंसिल नहीं कर, कैंसिल कर सकते क्या? कहीं ऐसे लिखा है कि t plus 2 is equal to 2, तो एक तरीके से क्या हो गया t is equal to 2 minus 2, तो वो कैंसिल होके 0 हो जाते हैं, तो वो तुम लोग यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, फालतू का एक स्टेप क्यों करना। समझे? आया समझ में? सर आपने p माइनस 1 होल स्क्वायर के बाद माइनस 1 क्यों, कैसे आया? क्या हुआ? p माइनस 1 होल स्क्वायर के बाद माइनस 1 कैसे आया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया ना, देखो p स्क्वायर माइनस 2p लिखा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, पहले p लिख लेते हैं, फिर p का कोफिशिएंट हाफ कर लेते हैं, तो माइनस 2 का हाफ क्या होगा, माइनस 1 होगा, उससे p माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसी क्वांटिटी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 का होल स्क्वायर क्या होता, बट इसलिए p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया। सिमिलरली q स्क्वायर माइनस 4 q लिया, तो q लिया, q लिखा और q के कोफिशिएंट को हाफ किया, तो माइनस 4 को हाफ करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा, तो इससे q माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस 4, इसलिए माइनस 1 और माइनस 4 यहाँ पे आ गया।
और प्लस 8 तो पहले से था यहाँ पे, प्लस 8। देखो अगर तुम पिछला रिवाइज नहीं करोगे ना घर पे जाके, तुमको आगे और दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। सो आई होप, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब जो जैसे पुराना पढ़ाया गया वो सब तुमको याद रहे आगे आने वाले क्लास में, नहीं तो हमारा तो पूरा टाइम पर पुराना समझाने में ही निकल जाएगा, तुमको याद दिलाने में कि अरे यार वो उस समय हम लोग ने पढ़ा था, और फिर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी बेटर नहीं होगी। सो अगर तुम रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते हो, जो भी पढ़ाया गया उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते हो, देन योर एफिशिएंसी विल इम्प्रूव बाय अराउंड 40%। 40% एफिशिएंसी तुम्हारी इम्प्रूव हो जाएगी, जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो और बेटर हो जाएगा, और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, अराउंड 35 to 40% इम्प्रूव हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज को रिवाइज करते जाओ, मतलब तुम 9th-10th वाला अप्रोच नहीं लगा सकते यहाँ पे कि एक बार पढ़ लिया फिर ठीक है चलेगा, क्योंकि हर दिन एक नई चीज तुमको सीखने को मिलेगी, और वो जब तक तुम घर पे जाके उसको रिगरस भी नहीं देखोगे तो वो तुम भूल जाओगे नेक्स्ट क्लास आते आते। सो मेक श्योर, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको रिवाइज करना है हर हर सब्जेक्ट में, नहीं केवल मैथ्स में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हर सब्जेक्ट में तुमको रिवाइज करके आने हैं नोट्स। चलो सो इज दिस क्लियर? बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया अभी सबको? यस सर। अच्छा जैसे मान लो एक क्वेश्चन हो आपके पास ऐसा टाइप का, साइन एक्स रेज़ टू 10 माइनस कॉस वाई रेज़ टू 6 is equal to 1, ठीक है? Then find cos square x plus sin square y. चलो find cos square x plus sin square y. Thank you.
चलो देखो इसको करते हैं. आंसर वन है. कितने लोग का आया आंसर वन? देखो अब यहाँ पे जो है क्या है, साइन एक्स रेस टू 10 है माइनस कॉस वाई रेस टू 6 है इज इक्वल टू 1. तो इस फॉर्म में देखने में हम लोग को इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब इतनी आसानी नहीं हो रही चीजें एक्सप्लेन करने. तो मैंने क्या किया, इसको उधर लेके चला गया. तो दिस विल बिकम साइन एक्स रेस टू 10 is equal to 1 plus cos y raised to 6. ठीक है. अच्छा sin x जो है वो less than equal to 1 होता है. इसका मतलब कि sin x raised to 10 जो है वो भी 1 या उससे छोटा होता. It means this quantity is less than equal to 1. अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वन में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है. कैसे पता कि पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि पावर इवन है. तो वन में अगर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है मतलब वो वाली क्वांटिटी वन या उससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. समझे? सो LHS इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड RHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो ये लोग अग्री कब करेंगे, जब 1 इज इक्वल टू 1 आ जाए.